हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पहले चैप्टर, जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह दूसरा वीडियो है। इस चैप्टर जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का एक वीडियो हमने बना दिया है पहले ही, जिसमें हमने बेसिक जो टॉपिक थे उसको कवर कराया था। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का एक लिंक मिल जाएगा न्यू बैच का, तो उस पर आप क्लिक करके बेसिक टू हाई सभी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं फिजिक्स की। बात समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, इसमें आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, देखिए रटना नहीं है हमें, हमें समझना है, समझ गए याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इतना परेशानी क्यों। हम समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो जाकर लिख देंगे, तो समझने पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको इस नियम को याद भी कराऊंगा। देखिए कैसे, देखिए कूलाम का नियम। अब देखिए, कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें केवल यही बात बताया कि उन्होंने यही हमें कहा ना, उन्होंने हमें ये बताया कि दो बिंदु आवेश इन्होंने ले लिया, एक बिंदु मतलब उन्होंने आवेश दो बिंदु आवेश लिया, एक Q1 एक आवेश लिया, एक Q2 आवेश लिया। देखिए ये दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी इन्होंने लिया ना, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो R है, समझ रहे हैं। ये दो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो देखिए जब आवेश है, दो आवेश हैं, तो इनके बीच एक बल लगेगा, ठीक है, इन दोनों इनके बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है। आप कहेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या इसका मतलब, तो अगर सिंपल में समझें तो देखिए, अगर प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो सिंपल में आप जानते हैं कि अगर समान, देखिए विजातीय आवेश है कि नहीं, एक प्लस एक माइनस है, तो ये आपस में क्या होंगे, चिपकेंगे, आकर्षित करेंगे। परंतु एक प्लस हो और दूसरा भी अगर प्लस ही आए, तो इन दोनों ये दिख रहे हैं समान आवेश है, तो समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये बात हम जानते हैं, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब विजातीय आवेश है तो उनके बीच आकर्षण होता है। तो कूलाम ने हमें ये नहीं बताया कि ये Q1 और Q2 आवेश है, ये धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक, ऐसा नहीं बताया, ठीक है। तो इनके बीच बल लगेगा, पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल, वो हमें नहीं पता, कभी आकर्षण लग सकता है, कभी प्रतिकर्षण लग सकता है, तो इसीलिए हम आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल हम इसको मानेंगे। तो कूलाम ने हमें केवल यही बात बताया कि आप लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, तो वही बात कह रहे हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इन्होंने कूलाम के नियम में हमें बताया। यही से हम कूलाम का नियम बोल देंगे। देखिए ये R क्या है, R यहाँ पे दूरी तो है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/2 के नीचे अगर लिखते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, क्योंकि 1/2 के नीचे हमने दूरी लिखा है। तो एक बार और सुनिए,
आप इसका कूलाम का नियम का कूलाम का नियम, आप कहेंगे कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं नियम को लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक दो बार अगर आपको एक बार सुनकर नहीं याद होता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइएगा, दो तीन बार आप रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज मैं इस नियम को लिख दे रहा हूं। ठीक है जी, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के, किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बल उन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल देखिए क्या क्या हो जा रहा है। ठीक है जी, देखिए हमने अभी तक क्या बताया, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो यही बात हम लिखेंगे कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है कूलाम का नियम जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए राइटिंग थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बोर्ड पे थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा आसानी हो रहा था, इसमें थोड़ा सा लैग इन कर रहा है तो इसलिए अच्छा राइटिंग इस पर भी आ नहीं रहा है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से फिर से हो जाएगा। बट अभी के लिए आप मैनेज कीजिएगा और आपको समझ में आ ही रहा होगा लिख लीजिएगा। एक बार और मैं यहीं से नियम को बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनकर याद कर लीजिए। आप कहेंगे कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका नियम, यही बात हमने लिखा है, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा।
तो ये नियम हुआ। उसके बाद ये आप दो लाइन जरूर लिखेंगे। उसके बाद अभी हमें बहुत कुछ लिखना है, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है जी। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने दो समीकरण दिया तो देखिए दोनों तो बल एक ही है ना, ये भी वही बल है, ये भी वही बल है। जब दोनों बल एक ही हैं तो अगर हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो ये दोनों बल एक हैं, तो एक बल हमने यहाँ पे लिख दिया, इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष से गुणा कर लेगा तो ये समानुपाती के बीच में चिन्ह है तो हमने वो दे दिया, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2, और इधर क्या हो जाएगा अगर ये इसमें गुणा करता है तो एक गुणा करेगा Q1 Q2 में तो वही हो जाएगा R² नीचे आ जाएगा। बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हमारा मेन फाइनली हमारा इक्वेशन मिलता है, ठीक है, कूलाम के नियम से। बट हम इतनी बात जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह है तो उसको हटाया जाता है, जब हटता है तो एक नियतांक आता है, तो उसीलिए जब यहाँ पे अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो है K, और उसके बाद Q1 Q2 बाई R² ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका K यहाँ पे नियतांक ये जो दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो यहाँ पे CGS मात्रक में अगर हम देखें CGS पद्धति में, देखिए कूलाम ने CGS पद्धति में K का जो मान है ना, K के मान का मान उन्होंने क्या दिया, उन्होंने K के मान को एक दिया। तो अगर CGS पद्धति में K का मान अगर 1 हो जाए तो उस समय पे हम देखें तो F का जो मान आएगा F = K के जगह पर 1 का कोई मतलब है नहीं, एक गुणा करेगा वही होगा, तो Q1 Q2 बाई R² हो गया, यही ना होगा। तो ये आपका फाइनली हमारा इक्वेशन होता है, सॉरी ये हमारा फाइनली इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने CGS पद्धति के लिए बताया है, ये हमने CGS पद्धति के लिए बताया है, परंतु SI पद्धति में क्या होगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये CGS पद्धति में ये होगा, परंतु SI पद्धति में हम लेते हैं तो SI पद्धति में, तो SI पद्धति में क्या हो जाएगा, क्या होगा समझिएगा। SI पद्धति में देखिए कूलाम ने ये बताया कि CGS पद्धति में जो K का मान है वो एक हो जाएगा, परंतु SI पद्धति में जब बात आया SI पद्धति में तो उस समय पर कूलाम ने बताया कि ये जो कांस्टेंट K का जो मान है, ये कांस्टेंट जो K का मान है उसका उन्होंने बताया 1/4πε0, तो ये इन्होंने K का मान दिया उस समय पे जब SI पद्धति की बात हुआ, ठीक है। तो अगर हम K के जगह पर 1/4πε0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो उस समय पे हमें मिलेगा F = K के जगह पर 1/4πε0, और उसके बाद Q1 Q2, तो Q1 Q2 / R², तो ये हमें फाइनली मिलता है, ये हमारा इक्वेशन मिलता है, ये है कूलाम के नियम का समीकरण। तो ये हमारा फाइनली समीकरण है। याद रखेंगे कूलाम का नियम का अंतिम फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 / R² होता है, जहां पे आपको कुछ कांस्टेंट है, कुछ नियतांक का मान है, वैल्यू है, उसको याद रखना है सबसे पहली बात। तो यहाँ पे कूलाम ने हमें ये बताया कि 1/4πε0 का जो मान होता है, 1/4πε0 का मान उन्होंने बताया
9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये आपको याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताया 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। दूसरा एक और इन्होंने बताया कूलम्ब ने कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, याद रखेंगे। इसका इसका मान उन्होंने बताया 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ये होता है। ये भी बात आपको याद रखना है कि ये क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, ये क्या है, विद्युतशीलता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो कूलम्ब का नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में सबसे पहले आपको लिखना है कूलम्ब का नियम आता है, कूलम्ब का नियम ये लिखेंगे, फिगर बना देंगे, उसके बाद यहां से लेकर यहां से ऊपर आप लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहां से लेकर आप नीचे ये यहां तक आप लाइन लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि कूलम्ब का नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी तो बेसिक हमने स्टार्ट किया है, अभी तो हम चल रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे और चलेंगे, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है कि अच्छे से राइटिंग उतना नहीं हो पा रहा है, बट धीरे धीरे हम भी प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस होता जाएगा और भी बेटर होता जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनके पास वीडियो को लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको फिजिक्स का नोट्स चाहिए पूरा कंप्लीट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि सर फिजिक्स का नोट्स मिल जाए, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए इसका फिजिक्स का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो फिजिक्स का नोट्स मैं साइड में दिखा दूंगा, पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स आपको दिया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स, तो वो आपको नोट्स दिया जा रहा है ओनली कितने में, ओनली आपको 99 रुपये में। तो यदि आप लेना चाहते हैं 99 रुपये ओनली है, ठीक है, अगर पर चैप्टर देखें तो 5-5 रुपये भी नहीं आ रहे हैं, 3-3 रुपये ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है, 5-5 या 6-6 रुपये आ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना ही बहुत ही कम आपके प्राइस रखा गया है, अगर आप लेना चाहें तो अभी समय है, स्टार्ट किया गया है बेसिक, तो आप ले सकते हैं। लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, उनसे कहिएगा सर पीडीएफ नोट्स दे दीजिए, वो आपको सब कुछ बता देंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।